मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और मुझे आशा है कि आप मेरे दिए हुए प्रीवियस वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। और बच्चों, किसी भी नए टॉपिक को समझने के पहले आपको अपने उस पुराने टॉपिक से कोरिलेट करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भूल सकते हैं। हमने लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत पौधों में जो लैंगिक प्रजनन की क्रिया है उसके स्टेप्स बाय स्टेप समझे हैं। तो सबसे पहले हमने समझा गैमेटोजेनेसिस, अर्थात लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। उसके पश्चात हमने पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझा था, और उसके पश्चात किस प्रकार से वर्तिकाग्र पर परागकण आकर इकट्ठा होते हैं और वर्तिकाग्र और परागकण के बीच में जो अंतर क्रिया होती है उसको भी हमने बहुत ही अच्छे तरह से समझा था। और मैं आशा करूंगी कि यदि आप कुछ एक आध लेक्चर मिस कर लिए हो तो आप प्रीवियस वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत निषेचन की क्रिया, अर्थात फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। पौधों में किस प्रकार निषेचन की क्रिया होती है वो हम आज उसका अध्ययन करेंगे। तो आप जानते हैं कि गुरु बीजाणु का निर्माण इसमें होता है पिस्टिल अर्थात जायांग वाले पोर्शन में, और जो लघु बीजाणु होता है वो स्टेमन अर्थात पराग कोश के अंतर्गत लघु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु मादा युग्मक का निर्माण करती है, और जो लघु बीजाणु जनन के द्वारा नर युग्मक अर्थात पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम निषेचन अर्थात व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या क्रिया है उसको परिभाषित करेंगे। तो निषेचन भ्रूण कोश अथवा मादा युग्मक उद्भिद, क्योंकि जो मादा युग्मक उद्भिद है या मादा युग्मक है वो कहाँ है, पौधे के फ्लावर के भ्रूण कोश के अंदर स्थित है, के अंदर नर व मादा युग्मकों के संलयन से अर्थात फ्यूजन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होना निषेचन कहलाता है। सिंपल परिभाषा यदि कॉमन जनरलाइज कहें तो हम कहेंगे नर व मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होना निषेचन कहलाता है। लेकिन यदि ये प्लांट्स के लिए या पौधों के लिए आए तो आप यहाँ पे एक शब्द जरूर जोड़ दीजिए, भ्रूण कोश अथवा मादा युग्मकोद्भिद। इसकी जो खोज की थी वो की थी स्ट्रासबर्गर ने इन 1884। ये आप अच्छे से याद रखिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, तो सबसे पहले जो पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब से जो नर युग्मक हैं वो कहाँ जाते हैं, अंड कोशिका में। और चूंकि ये ट्यूब के थ्रू होती है, एक ट्यूब या एक नाल के थ्रू होती है, इसलिए इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहा जाता है नाल युग्मन या साइफोनोगैमी। ये भी आप ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि व्हाट इज साइफोनोगैमी। तो पराग नलिका के द्वारा जो नर युग्मक है वो अंड कोशिका में पहुंचाए जाते हैं, इस क्रिया को साइफोनोगैमी कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के स्टेप में पहला स्टेप है पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। ये हम आपको पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। तो क्या होता है कि जो पराग कण रहते हैं या पोलन ग्रेन जो रहते हैं उसमें दो भित्ति पाई जाती है, एक ये बाह्य चोल बोला जाता है जिसको, या इंग्लिश में बोला जाता है एक्साइन, और इसको इंटाइन को आंतरिक चोल बोला जाता है। तो इंटाइन बाह्य चोल अर्थात एक्साइन से रप्चर होकर के इंटाइन बाहर निकलती है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम ये मान लें कि ये क्या है, पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, और यहां से क्या हो गया, एक एक्साइन इंटाइन एक क्या बना ले रही है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रही है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो दो न्यूक्लियस रहते हैं, एक न्यूक्लियस होता है इसको कहते हैं हम जनरेटिव या जननीय केंद्रक, इसको कहते हैं जननीय केंद्रक जो नर युग्मक का निर्माण करता है, और दूसरा होता है ट्यूब न्यूक्लियस या कायिक केंद्रक कहते हैं इसको। ये जो कायिक केंद्रक है ये आगे वृद्धि करता है और ट्यूब का निर्माण करने में सहायक होता है। आगे जाकर के ये जो जननीय केंद्रक होता है
ये बाइफरकेट होता है अर्थात दो भागों में टूट जाता है जो दो नरयुग्मक का निर्माण करते हैं। तो ये क्या बना लिए? नरयुग्मक। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे जाके डबल फर्टिलाइजेशन क्या है ये आप समझ सकते हैं। ये देखिए आप कायिक केंद्र कहला गया और ये दो स्पर्म न्यूक्लिया या नरयुग्मक इन्होंने बना लिए। पराग कण का अंकुरण होता है और उसके बाद वो कहां वर्तिकाग्र से वर्तिका में पहुंचता है और वर्तिकाग्र से होते हुए फिर वो सेकंड स्टेप आता है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, अर्थात जो ओव्यूल है जो मादा युग्मकोद्भिद है उसमें उसका प्रवेश कैसे होता है। तो अगर जो ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर आपको बच्चों याद होगा तो पहला होता है अंडद्वारी प्रवेश अर्थात माइक्रोपाइल एंट्री होती है जो कि होती है सभी पौधों में, अधिकांशतः जितने पुष्पी प्लांट है उनमें अंडद्वारी प्रवेश होता है। दूसरा होता है निभागी प्रवेश अर्थात चलाजा के थ्रू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चलाजा, चलाजा बोलते हैं, इसके थ्रू वो प्रवेश करता है और ये होता है कैजुराइना और बैटुला प्लांट्स में। तीसरे टाइप का जो आता है एंट्रेंस का जो है वो है मध्य प्रवेश अर्थात मीजोडर्म से वो प्रवेश करता है, इसका एग्जाम्पल है कुकरबिटा और एल्ची मेला का। अब देखते हैं इसकी पिक कि किस प्रकार से ये पराग नलिका उस ओव्यूल में, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं किसका स्ट्रक्चर है, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इस ओव्यूल में ये यहाँ पर जो ये पोरस स्ट्रक्चर यहाँ पे जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल अर्थात ये पोरस स्ट्रक्चर से यहाँ से पोलन ट्यूब अगर एंट्री करती है तो उसको कहते हैं पोरोगैमी। अगर पोलन ट्यूब चैलाजा वाला पोर्शन अर्थात निभाग पोर्शन जो है उसके वहां से एंट्री करती है तो उसको कहते हैं चैलाजोगैमी। ये जो निभाग वाला पोर्शन है इससे ये एंट्री करती है। यहां से अगर पोलन ट्यूब एंट्री करती है तो उसको चैलाजोगैमी कहते हैं और मीजोगैमी कहते हैं यदि वो इस मीजोडर्म के भाग से कहीं से भी पोलन ट्यूब एंट्री करती है तो उसको मीजोगैमी कहा जाता है। आपको थोड़ा सा बस याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। थर्ड जो स्टेप आता है निषेचन का वो है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। हमें मालूम है कि ओव्यूल के अंदर जो भ्रूण कोश है उसमें अब पराग नलिका क्या करती है, अंदर प्रवेश कर जाती है। जब पराग नलिका, अगर हम देखें कि एक भ्रूण कोश का टिपिकल भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर हमको इस प्रकार से दिखाई देता है, ये दो हो गई उसकी सहाय कोशिका अर्थात सिनर्जिक सेल। आपको ये अच्छे से ऐसा छोटा सा डायग्राम बनाते आना चाहिए बेटा। उसके बाद में तीन यहाँ पर हो गई एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल कहला गई ये या एंटीपोडल कोशिका, और यहाँ पर ये ध्रुवी कोशिकाएं कहलाती है। जो पराग नलिका है वो यहाँ पर इस सहाय कोशिका में प्रवेश करती है। जब ये पराग नलिका सहाय कोशिका में प्रवेश करती है तो यहीं पर ये फट जाती है और फटने के बाद में इसके जो दो नर युग्मक रहते हैं वो क्या होते हैं, इसमें रिलीज हो जाते हैं। अब इसके बाद एक जो होता है नर युग्मक वो अंडकोशा से और दूसरा नर युग्मक ध्रुवी कोशा से जाके संलयित होता है। इसको हम इस प्रकार समझे, हम देखेंगे कि जो पराग नलिका है वो कहाँ आ जाती है, सहाय कोशा के अंतर्गत प्रवेश कर जाती है। सपोज यदि हम देखें कि ये है हमारी पुष्प की पोलन ट्यूब, ये आएगी और यहाँ पर ये जो सिनर्जिक सेल है यहाँ पर आकर के ये जो पोलन ट्यूब है या पराग नलिका है वो फट जाएगी। जब ये पराग नलिका यहाँ पर रप्चर हो जाएगी, जो सिनर्जिक सेल को पहले बच्चे समझ लो कि सिनर्जिक सेल का क्या रोल है, तो ये दो रहती है सिनर्जिक सेल और इनके बीच में क्या रहता है, अंड रहता है। यहाँ पर ऐसे तंतुमत अर्थात फिलामेंटस तंतु रूप समुच्चय मौजूद रहते हैं। ये जो तंतु रूप समुच्चय होते हैं ये ही पराग नलिका के नर युग्मकों को अंड सेल और निषेचन क्रिया में मदद करते हैं। तो ये है एक छोटा सा
कोशा का चित्र जो मैंने ब्रीफ में आपको सिर्फ समझने के लिए बताया है, पूरा डिटेल नहीं है ये। तो ये जो सहाय कोशा है ये क्या करती है, यहाँ पर आकर के पराग नलिका के जो पराग नलिका रप्चर होती है और इस दो नर युग्मक हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है ये हम देखेंगे। अब होता है द्विनिषेचन। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, बिल्कुल भी नहीं आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब पराग नलिका रप्चर हुई या फटी तो उससे दो युग्मक अर्थात टू मेल न्यूक्लियाई हमको मिले। पहला नर युग्मक जो मिला वो किससे अटैच हो गया, किससे फ्यूज हुआ, अंडकोशा केंद्रक से। तो ये जो अंडकोशा इसको कहते हैं मुख्य निषेचन। इस क्रिया को क्या बोला गया, मुख्य निषेचन कहा गया या अर्थात सत्य निषेचन कहा गया। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसका गुणसूत्र की संख्या थी एन और यहाँ पर भी कितनी संख्या थी एन, तो एन प्लस एन बना के क्या बना लिए, टू एन, अर्थात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। यहाँ पर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हुआ और एक मेल और दूसरा फीमेल अर्थात नर और मादा के इस फ्यूजन को कहा गया सत्य निषेचन। ये ट्रू फर्टिलाइजेशन इवेंट कहला, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर दो निषेचन हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सत्य निषेचन किसे कहेंगे। तो लिखेंगे आप कि पहले नर युग्मक का अंडकोशा के केंद्रक से फ्यूजन होने पर, संलयन होने पर 2n अर्थात द्विगुणित युग्मनज की प्राप्ति होती है। इस क्रिया को सत्य निषेचन कहते हैं और यही जाकर के आगे जाकर के किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। ये बात बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसको बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला, दूसरा क्या होता है। तो दूसरा जो है, दूसरा नर युग्मक जो है वो किससे करेगा, ध्रुवी कोशा केंद्रक से। अब जो ध्रुवी कोशा केंद्रक है हमको पता है कि ये जो दो न्यूक्लियाई थे जो भ्रूण कोश के अंदर थे ये भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं और दो कोशा केंद्रक बना लेते हैं। तो ये ध्रुवी कोशा केंद्रक से दूसरा नर युग्मक क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम दूसरा निषेचन। जानते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जिस युग्मनज का निर्माण होता है उस क्रिया को निषेचन कहते हैं, लेकिन पौधों में जो होता है, पौधों में ये द्विनिषेचन होता है। अब ये कैसा होता है ये आप सबको मालूम है, अभी हमने समझाया कि जब पराग नलिका फटती है तो उससे दो नर केंद्रक नर युग्मक प्राप्त होते हैं हमको। इसको हम नाम दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। ये मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड नंबर का। अब बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट नंबर का जो केंद्रक है नर युग्मक है वो किससे, इसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, हैप्लॉयड है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। तो ये किससे जाके संयोजित होगा, अंडकोशा केंद्रक से। जो दो सहाय कोशा, यदि हम चित्र की तरफ देखें, एक छोटा सा ओव्यूल का डायग्राम ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि इस प्रकार का ओव्यूल है। तो ये दो सहाय कोशा है और ये अंडकोशा। तो ये अंडकोशा केंद्रक से ये नर युग्मक का जो केंद्रक है वो क्या होगा, फ्यूजन करेगा, संलयित होगा। तो इसके फ्यूजन के बाद क्या बन जाएगा, 2n, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाएगी, अर्थात ये द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेगा। बिल्कुल ध्यान देना है, इस बात को भूलना नहीं है। ये जो निषेचन होता है इसको कहते हैं सत्य निषेचन अर्थात ट्रू फर्टिलाइजेशन। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सत्य निषेचन कहाँ संपन्न होता है। तो सत्य निषेचन की जो क्रिया होती है वो अंडकोशा के केंद्रक और नर युग्मक, पहले नर युग्मक के मिलने से सत्य निषेचन की क्रिया होती है। ये आगे जाकर के ग्रोथ होता है, फर्दर ग्रोथ करके ये भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बच्चों, ये करता है भ्रूण का निर्माण। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना, ये बिल्कुल बेसिक है। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर का नर युग्मक केंद्रक जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ध्रुवी कोशा है,
ये ध्रुवीय कोशा भी आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जैसे ये कोशा फ्यूज होकर के ये ऐसे पास पास आकर के फ्यूजन कर लेती हैं। तो यहाँ पर इनके गुणसूत्रों की संख्या एन एन, तो कितनी हो गई, ये 2n हो गई। तो दूसरा नरयुग्मक जो है वो ध्रुवीय कोशा के इनके साथ फ्यूज होता है और इससे ये प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, और यहाँ पर गुणसूत्रों की टोटल संख्या हो जाती 3n, अर्थात 2n प्लस मेल न्यूक्लियाई, तो बन गया 3n, अर्थात 3 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बना लेता है। इसको आपको बहुत ध्यान देना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। और इस प्रकार के इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इस प्रकार के निषेचन को कहते हैं कायिक निषेचन। तो जो पौधों में होता है दो प्रकार का निषेचन होता है, एक हो गया सत्य निषेचन अर्थात ट्रू फर्टिलाइजेशन जो कि भ्रूण का निर्माण करता है, और दूसरा होता है त्रिसंलयन की घटना के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है, ये बनाता है प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण करता है। चलिए इसको और अच्छे से आगे समझेंगे। सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि चूंकि दोबारा फिर से मैं उसी बात को दोहरा रही हूं कि दोनों नर युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, निषेचन दो बार होता है, अतः इस क्रिया को हम द्विनिषेचन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका आएगा और ये आप प्रश्न अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट दूसरा देखते हैं, त्रिसंलयन। त्रिसंलयन की घटना भी बच्चे बहुत लंबा चौड़ा इसका आंसर रहता है, आप सब भूल जाते हो। इसको मैंने बिल्कुल शॉर्टकट में बताया है कि द्वितीयक केंद्रक जो रहता है, नर युग्मक केंद्रक, यहाँ पे आप लिख दीजिए द्वितीयक नर युग्मक का जो केंद्रक रहता है वो किससे मिलता है, सॉरी, ये जो द्वितीयक केंद्रक कहलाता है ये ध्रुवीय कोशिकाओं से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, ध्रुवीय कोशिकाओं से। ध्रुवी कोशा के जो द्वितीयक केंद्रक रहते हैं अर्थात दो ट्यूबलियाई रहते हैं वो फ्यूज होते हैं किसके साथ, दूसरे नरयुग्मक के साथ, और मिलाकर के यहाँ पे केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 3 हो जाती है, अतः इसको त्रिसंलयन कहा जाता है। तो बच्चों ये था हमारा आज के अध्याय के अंतर्गत दोहरा निषेचन की क्रिया किस प्रकार होती है उसको हमने समझा। अब इसके आगे जाके किस प्रकार भ्रूण कोश का निर्माण होता है, किस प्रकार बीज का निर्माण होता है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चे।